गाड़ियों के सभी सेगमेंट में से एक जिसने हाल के दिनों में बहुत लोकप्रियता हासिल की है वो है मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और यहाँ तक कि मध्यम आकार के एसयूवीज। COVID-19 महामारी की स्थिति बेहतर होने के साथ ऑटो बाजार धीरे धीरे अपनी खोई हुई गति को वापस पा रहा है। कंपनियां नए प्रोडक्ट्स के निर्धारित लॉन्च के साथ भी तैयार है और 2021 का लास्ट हिस्सा ऑटो बाजार के लिए रोमांचक हो सकता है। एक बॉडी टाइप जिसने हाल के दिनों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है वो है एसयूवी बाजार और मिनी एसयूवी और क्रॉसओवर की शुरुआत के साथ यह सेक्शन बहुत बड़ा हो गया है। दिवाली के आसपास अपेक्षित लॉन्च की एक श्रेणी के साथ बायर्स को और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन एसयूवीज की बात करेंगे जो दिवाली के आसपास लॉन्च होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। महिंद्रा एसयूवी 700। जब एसयूवी की बात आती है तो महिंद्रा का नाम बहुत ही आगे होता है। यह भारतीय निर्माता ऑटो बूस्टर हेडलैम्प, पैनोरामिक सनरूफ, स्मार्ट दरवाजे के हैंडल, सुरक्षा अलर्ट और ड्राइवर के उनिंदापन का पता लगाने वाली सुविधा से भरी बिल्कुल नई महिंद्रा एसयूवी 700 लॉन्च करेगी। हालांकि लॉन्च की आधिकारिक तारीख की कंपनी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। महिंद्रा ने पहले ही कुछ वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है जिससे हमें सेगमेंटेशन की समझ आ जाती है। एसयूवी 700 का बेस मॉडल 5 सीटर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ 11.99 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि अन्य सुविधाओं के साथ सेल्फ ड्राइविंग की पेशकश करने वाला AX वेरिएंट भी मौजूद है। महिंद्रा को इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखते हैं ये गाड़ी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। टाटा पंच। टाटा ने हाल के वर्षों में कई नई कारों के लॉन्च के साथ अपनी बाजार उपस्थिति पर जोर देने की कोशिश की है और इस लाइन में एक और पंच मिनी एसयूवी है जिसके जल्द ही आने की उम्मीद है। टाटा के अल्फा प्लेटफॉर्म पर आधारित इस मिनी एसयूवी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आने वाला है जो 113 Nm के पीक टॉर्क के साथ 86 PS की पावर जनरेट करेगा। जबकि कंपनी ने अभी तक इसके फीचर्स को अनवील नहीं किया है, लेकिन स्पाई इमेजेस और वीडियोस को देखा जाए तो ये कार फुल्ली फीचर लोडेड होने वाली है। कंपनी ने पहले ही इस एसयूवी के डिजाइन का खुलासा कर दिया था जिससे पहले H2X और बाद में HBX कहा जाता था। इसका मुकाबला महिंद्रा KUV 100 से होगा और ज़्यादातर 5 से 10 लाख के बीच आने वाली गाड़ियों के साथ होने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 5.5 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होकर 8.5 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जा सकती है। फॉक्सवैगन टाइगुन। फॉक्सवैगन 23 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी मध्यम आकार की एसयूवी टाइगुन को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एसयूवी MQB A0IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसमें हाल ही में लॉन्च स्कोडा कुशक भी शामिल है। दोनों एसयूवी में एक ही इंजन सेटअप है जिसमें 1.0 लीटर TSI पेट्रोल और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल का ऑप्शन शामिल है। लुक्स और फीचर्स के मामले में ये कार कई तरह से बेहतर है। फॉक्सवैगन का कहना है कि लॉन्च से पहले ही उन्हें 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिल चुकी है और उम्मीद है कि ये एसयूवी 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। MG एस्टर। MG मोटर भारतीय बाजार में एक नई मिड साइज एसयूवी लॉन्च करने वाली है जो एस्टर के नाम से आने वाली है। कंपनी ने इसके फीचर्स का खुलासा पहले ही कर दिया है। AI बोट और सेगमेंट में फर्स्ट Level 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग के साथ एस्टर के ज़्यादातर फीचर्स का खुलासा हो गया है। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ और 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इस कार में बहुत सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं। ये उम्मीद की जाती है कि MG एस्टर 2 इंजन के ऑप्शंस में उपलब्ध होगा जिसमें 115 PS की शक्ति वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 150 Nm के पीक टॉर्क के साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है। इसकी कीमत 10 से 16 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। Citroen C3। Citroen ने भारत में C3 कॉम्पैक्ट एसयूवी को अनवील कर दिया है और Hyundai Venue, मारुति सुजुकी विटारा, ब्रिजा, टाटा नेक्सॉन जैसी अन्य गाड़ियों के साथ इसका कंपटीशन होने वाला है। C5 एयरक्रॉस एसयूवी के बाद भारत में फ्रांस की यह निर्माता कंपनी के लिए ये उनका दूसरा प्रोडक्ट है। C3 यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही उपलब्ध है और भारतीय C3 यूरोपीय C3 से ज़्यादा लैटिन अमेरिका C3 के जैसी होने वाली है।
2022 की पहली तिमाही में इसके लॉन्च होने की संभावनाएं बनी हुई है। सीट्रियन C3 की कीमत 8 से 13 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। देखते हैं ये नई कंपनी अपना रंग इंडियन मार्केट में जमा पाती है या नहीं। दोस्तों ये थी कुछ 5 SUVs जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अगर आपका प्लान SUV लेने का है तो आप इनका वेट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।